नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में ग्राम पंचायत बरमान कला अंतर्गत श्री देव राम चांद की बड़ा मंदिर के पक्ष में संत समाज एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आज नरसिंहपुर कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में मुलाकात करते हुए उक्त मामले पर तहसीलदार महोदय करेली के आदेशानुसार किसी भी अतिक्रमणकारी के पास कब्जा न होने एवं मंदिर के पक्ष में सारे तथ्य होते हुए भी न्याय में हो रही देरी पर संज्ञान लेकर शीघ्र कार्यवाही हेतु भी बात रखी। कलेक्टर महोदय ने संत समाज के लोगों से एवं आए हुए ग्रामीण जनों से शीघ्र ही कार्यवाही हेतु आश्वस्त भी किया। ज्ञात हो कि इस मामले में पूर्व करेली तहसीलदार महोदय रश्मि चतुर्वेदी द्वारा अतिक्रमणकारी लोगों को पट्टे भी वितरित किए गए थे, जिन्हें बाद में संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा सभी पट्टों को जांच उपरांत निरस्त कर दिया गया था एवं सात कब्जाधारी लोगों में से एक भक्तजन द्वारा श्री राम जी सरकार के पक्ष में अपने कब्जे से जुड़े हुए तमाम दावे और अधिकार को मंदिर प्रबंधन और भगवान के पक्ष में समर्पित करते हुए छोड़ दिया गया है। वही मंदिर प्रबंधन से जय रामदास महाराज जी ने कहा कि श्री राम जी सरकार को न्याय नहीं मिलने की दशा में वे अपने संत समाज के समस्त समर्पित भक्तजनों के साथ अनशन पर बैठने हेतु मजबूर होंगे और इसका पूरा श्रेय प्रशासन की मामले के प्रति हो रही उदासीनता को ही कहा जाएगा, क्योंकि मंदिर पक्ष तो हमेशा ही कानूनी रूप से अतिक्रमण हटवाने के लिए कहता आया है। अंकित ने मानर सिंहपुर ब्राह्मणी और साधु संतों के साथ यहां पर आए हुए हैं कलेक्टर साहब के यहां ज्ञापन सौंपने के लिए। किस मामले में ज्ञापन? हमारा देव राम जानकी बड़ा मंदिर उत्तरगज बरमान कला, वहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसके मामले में कलेक्टर साहब के पास आई हुई है कि जल्दी से जल्दी उस अवैध कब्जा को हटाया जाए, ये हमारा वैसे लगेगा। क्या बोला कलेक्टर साहब? आज कलेक्टर साहब ने पूर्ण वजनदारी के साथ कहा है कि हटाया जाए। तहसीलदार साहब को फोन भी लगाया हम सबके सामने और सहानुभूति अच्छी निभाई। अच्छा, हम लोग का आना सफल हुआ आज। क्या नाम है? निरंजन तिवारी। हमारे मंदिर की दुकान जो है कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, पट्टा बनवा लिए थे, बाद में अनुभाग अधिकारी द्वारा उनको नष्ट किया गया। फिर तहसीलदार ने नोटिस दिया उनको खाली कराने का, दुर्भाग्यवश बस सिविल कोर्ट से वो लोग स्टे लेके आ गए। हमने उनके स्टे के खिलाफ में सेशन कोर्ट लगाया और सेशन कोर्ट ने हमारी अपील स्वीकार करते हुए उनकी जो स्थायी निषेधाज्ञा की स्टे थी उसको नष्ट किया और हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि उनको दुकानों को खाली करवाएं और हमको अपनी जगह सुपुर्द भी करवाएं। क्या कहा कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत आश्वस्त तरीके से कहा है कि 2 से 3 दिन का हमको आप समय दें, हम पूरा एकदम आपके जो भी हित में होगा, मंदिर के हित में होगा, जो भी लीगल है आपकी कार्रवाई हम करवाएंगे। आश्वस्त किया मतलब कलेक्टर साहब ने। हमें सुनने में आ रहा है कि यदि शासन प्रशासन मंदिर का सहायता नहीं करेंगे तो आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं अकेला नहीं बैठूंगा, हमारे साथ में हमारा पूरा गांव प्रोटेस्ट में बैठेगा। मैं अकेला नहीं बैठूंगा, पूरा गांव, पूरा समाज, पूरे भक्तगण हमारे साथ में जिले भर के बैठेंगे। क्या वजह है कि आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? प्रशासन की उदासीनता,